तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का टॉपिक है हमारा कि हम लोग को नाइट राइड अगर करनी पड़ रही है तो हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी बात है कि आप अवॉइड करें नाइट राइडिंग का, कोशिश करें कि आपको रात में बाइक न चलानी पड़े। लेकिन अगर किसी तरह की कंडीशन आती है कि आपको बाइक चलानी ही चलानी है तो फिर किन किन बातों का। कि इन बातों को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऐसे देखिए, तो जो सबसे पहले रात में हम लोग को बाइक चलाने में ध्यान रखना है वो है ये है कि आप जब आप रात में बाइक चलाएं तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो, आप रोड को अच्छे से देख सके, रोड अच्छे से दिखाई दे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विजिबिलिटी अच्छी करने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला चीज़ ये है कि आपकी जो बाइक है उसकी लाइट बहुत अच्छी हो, उसकी जो हेडलाइट हो वो अच्छी हो, और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको ऑक्सिलरी लाइट भी लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपके बाइक की लाइट कितनी भी अच्छी हो लेकिन आपका जो स्क्रीन है, हेलमेट का स्क्रीन है, वो अच्छा नहीं है, तो आपका वो विजिबिलिटी, हेडलाइट की विजिबिलिटी या ऑक्सिलरी लाइट की विजिबिलिटी जो है आपकी किसी काम की नहीं है। तो आपको रोड अच्छे से विजिबल हो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके जो हेलमेट का जो स्क्रीन है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन पे हो, उसमें स्क्रैचेज ना हो। दूसरा क्या है, अगर आपको इवनिंग में ही लग जाता है कि हमको नाइट में बाइक राइड करना है तो एक बार बाइक की जो मेंटेनेंस है वो एक बार चेक कर लें, उसका एयर प्रेशर चेक कर लें बाइक का, ताकि आप एश्योर रहें कि रास्ते में कोई बाइक को लेकर रिलेटेड इशू नहीं आने वाले हैं। क्योंकि बाइक की मेंटेनेंस अगर रात में कोई दिक्कत हो जाती है तो बाइक को मेंटेनेंस बहुत दिक्कत होगी, मैकेनिक आपको मिलने वाले नहीं है। इसके अलावा अपने बाइक में आप हैजार्ड लाइट का यूज करें नाइट राइड में, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, बाइक आपकी दूर से ही दिख जाती है तो सेफ्टी थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है। एक खास बात का आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि नॉर्मली जैसे दिन में आप राइड करते हैं, स्पीड आपकी ज़्यादा होती है, अच्छे हाईवे पे लोग दिन में 90, 100, 110, 120 की स्पीड गेन करके चलते हैं, लेकिन रात में आप कोशिश करें कि आपकी स्पीड जो है 50, 60, 70 के आसपास ही रहे, इससे ज़्यादा स्पीड न हो, क्योंकि इसके बाद जो स्पीड होगी वो आपके बाइक की कंट्रोल खो देगी। आपको बहुत दूर तक चीज़ें दिख नहीं रही हैं तो आपको ब्रेक लेना होगा, या रास्ते में कोई जानवर आता है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो अधिक स्पीड होने पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप रात की राइड में ये ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा न हो, जो एवरेज स्पीड रखें वो 50, 60, 70, इससे ज़्यादा स्पीड न रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। वो आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपनी बॉडी को ओवर एग्जर्ट न करें। आप ये और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि रात में आप ये चीज़ अवॉइड करें कि आप ऐसे रोड पे जाने से अवॉइड करें जिस रोड पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो लोगों का, पे चलें जैसे मेन जो हाईवे होता है उस पे बैकअप और सर्विस आपको आसानी से मिल जाती है और लोगों का आवाजाही ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा किसी तरह की परेशानी नहीं मिलती है। और वे रास्ते जिन पे लोगों की आवाजाही कम है, थोड़ा सा इंटीरियर साइड में है, थोड़ा सा बाईपास जैसा रास्ता है, उस रास्ते को आप अवॉइड करें, उस पर आपको सपोर्ट मिलने पर दिक्कत होगी और रास्ता भूलने पर भी आपको ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि इवनिंग में ही अपने बाइक के टैंक फुल करवा लें, आपको जितना चलना है उससे ज़्यादा ही आप फ्यूल रखें, ऐसा ना हो कि रास्ते में आपका फ्यूल ख़त्म हो जाए और आपके पेट्रोल पंप उतनी ईजिली, उतनी आसानी से नहीं मिलते, उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं मिलते हैं। तो यदि अगर आपके बाइक का फ्यूल जो है वो भरा हुआ है, टैंक आपका फुल है, तो आपको इस बात का टेंशन नहीं रहेगा कि हमको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेना है, पेट्रोल पंप खुला है कि नहीं खुला है। तो आप पेट्रोल अपनी बाइक में फुल रखें इवनिंग में ही, अगर आपको लग रहा है कि राइड करना है, वो आपके लिए ज़्यादा सेफ होगा। एक रात में क्योंकि फूड्स और स्नैक्स मिलने की दिक्कत होगी तो आप कोशिश करें कि अगर आपको रात में सफ़र करना है तो पानी का बॉटल और अपना स्नैक्स, काम भर का स्नैक्स जितना आपको ज़रूरत हो वो रात में लेकर चले। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आपकी जो नाइट राइड है वो बहुत स्मूथ होगी। फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कि आपको बाइक नाइट में न चलानी पड़े, नाइट राइड न करनी पड़े। लेकिन अगर किसी तरह की सिचुएशन आती है जिसमें नाइट राइड करना ही करना है तो ही इन बातों का ख्याल रख के ही आप नाइट राइड करें।